दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिकंदर ज्योग्राफी में स्वागत है। आज हम एक टेंथ का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो एग्जाम में दो नंबर में पूछता है दोस्तों, वो है आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों, वो आता है कि आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा प्रबंधन के प्रकारों को वर्णन कीजिए, आप परिभाषित कीजिए दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये छोटा सा सवाल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विपत्ति में विपत्ति से बचने के लिए मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन दैट मीन्स वो ऐसा नहीं करने का मतलब मेरा दोस्तों। हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं कि विपत्ति में विपत्ति से बचने के लिए मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। और आपदा प्रबंधन दो प्रकार के होता है दोस्तों, एक होता है आपदा पूर्व प्रबंधन और दूसरा होता है आपदा पश्चात प्रबंधन। हम इसको बोर्ड पे लिखना चाहेंगे दोस्तों। अगर आपदा प्रबंधन के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दोस्तों कि विपत्ति में विपत्ति से बचने के लिए, विपत्ति में विपत्ति से, विपत्ति में विपत्ति से बचने के लिए, हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं दोस्तों कि विपत्ति में विपत्ति से बचने के लिए, बचने के लिए मानव के द्वारा, मानव के द्वारा किए गए, मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उपायों को, विभिन्न प्रकार के उपायों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ से एक और सवाल आप लोगों के मन में उठता होगा दोस्तों कि आपदा प्रबंधन होते ही कितने प्रकार के। अगर आपदा प्रबंधन के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, तो आपदा प्रबंधन दो प्रकार के होता है, पहला आपदा पूर्व प्रबंधन और दूसरा आपदा पश्चात प्रबंधन। इसको भी हम बोर्ड पर लिखना चाहेंगे। पहला के बारे में जिक्र किया जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के प्रकार, हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के प्रकार, आपदा प्रबंधन की प्रकार की बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पहला जो हो जाता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन। अगर आपदा पूर्व प्रबंधन की बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, तो इसमें शॉर्ट सा लिख सकते हैं कि घटना घटित होने के पहले, घटना घटना घटित, घटना घटित होने के पहले, घटना घटित होने के पहले, घटना घटित होने के पहले मानव के द्वारा, मानव के द्वारा, मानव के द्वारा किए गए, मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उपायों को, उपायों को आपदा प्रबंधन कहा जाता है दोस्तों। कहने के लिए क्या आपदा पूर्व प्रबंधन में होता है दोस्तों कि घटना घटित होने के पहले मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों को आपदा पूर्व प्रबंधन कहा जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है दोस्तों, वो आपदा पश्चात प्रबंधन होता है, उसको भी हम बोर्ड पे लिखना चाहेंगे दोस्तों। अगर दूसरा की बारे में जिक्र किया जाए तो वो आपका जो होता है आपदा पश्चात प्रबंधन होता है दोस्तों। अगर आपदा पश्चात प्रबंधन के बारे में जिक्र किया जाए तो इसमें लिख सकते हैं दोस्तों कि घटना घटित होने, घटना घटित होने के पहले, घटना घटित होने के पहले, पहले मानव के द्वारा, मानव के द्वारा किए गए, मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के उपायों को आपदा पश्चात प्रबंधन कहा जाता है। एक बार फिर से बता देना चाहेंगे दोस्तों कि घटना घटित होने के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है कि घटना घटित होने के बाद, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा गलती लिखा गया है कि घटना घटित होने के बाद, हम बोल सकते हैं दोस्तों कि घटना घटित होने के बाद मानव के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों को आपदा पश्चात प्रबंधन कहा जाता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल फॉर देना चाहेंगे कि अगर किसी क्षेत्र में सुनामी आने की संभावनाएं होती है, वैसे क्षेत्रों में अगर प्रशासनिक कार्य करने के बाद अगर वो सबको अलर्ट कर दिया जाता 2-3 दिन पहले, तो ये सब लोग उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं। घटना के पहले हुआ, आपदा आने के पहले हुआ, लेकिन आपदा पश्चात के बारे में अगर जिक्र किया जाए दोस्तों, तो किसी क्षेत्र में आपदा आ चुकी है, किसी क्षेत्र में सुनामी आ चुकी है, उसके बाद जो व्यक्ति सुनामी में फंसे हुए हैं, उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के हम लोग उपचार करते हैं, उसी को हम लोग आपदा पश्चात प्रबंधन कहा जाता है दोस्तों। अगर हमारी क्लास अच्छा लगता है तो आप सिकंदर ज्योग्राफी को आप पे लाइक एंड शेयर करना जरूरी है। और एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स दोस्तों।